ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिनिष्ठिके मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय श्लोक नंबर 10 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। ससान बराहान महिषान गवयान रुरुशल्यकान् मेत्यानन्यान् च विविधान् विनिघ्नान् समङ्गत्यगाः। ससान् वराहान् महिषान् गवयान रुरुशल्यकान् मेत्यानन्यान् च विविधान् विनिघ्नान् समङ्गत्यगाः। ससान् वराहान् महिषान् गवयान रुरुशल्यकान् मेत्यानन्यान् च विविधान् विनिघ्नान् समङ्गत्यगाः। ससान खरगोशों, बराहान सुअरों, महिषान भैंसों, गवयान नील गायों, रुरु कृष्ण मृग, शल्यकान शाहियों, मेध्यान शिकारी जानवरों, अन्यान अन्यों को, च तथा विविधान विभिन्न, विनिघ्नन मार करके, समंग अध्यगात अत्यधिक थक गया। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस प्रकार राजा पुरंजन ने
अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सुअर, भैंसें, नीलगाय, श्याम हरिण, शाही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। तात्पर्य, तमोगुणी मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य केवल अज्ञान से पापी बनता है। पाप में जीवन का परिणाम है कष्ट भोग करना। जो नियमों को नहीं जानते और आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे कानून द्वारा दंडित होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के नियम भी बड़े कठोर हैं। यदि बालक परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो वह जल जाता है, भले ही वह बच्चा ही क्यों ना हो। यदि कोई बालक प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई अनुकंपा नहीं बरती जाती। मनुष्य केवल अज्ञानवश ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, और जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वह और आगे पाप कर्म नहीं करता। राजा अनेक पशुओं का वध कर लेने के बाद अत्यंत थक गया। जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों का पता चलता है और वह धार्मिक बन जाता है। अधार्मिक मनुष्य पशुतुल्य है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे मनुष्य को वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है और वह चार वर्जित कार्यों को त्याग देता है। ये हैं अवैध मैथुन, मांस भक्षण, द्वित क्रीड़ा तथा मद्य सेवन। यही धार्मिक जीवन का सूत्रपात है। जो अपने को तथाकथित रूप से धार्मिक कहकर इन चार वर्जित कर्मों में लगाते हैं वे कपटी हैं। धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म एक दूसरे के साथ साथ नहीं चल सकते। यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष पथ का अनुसरण करना चाहता है तो उसे इन चार मूलभूत नियमों पर दृढ़ रहना होगा। कोई कितना ही पापी क्यों न हो, यदि उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और उन्हें बंद कर देता है, तो वह तुरंत घर लौटने अर्थात भगवान के धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। यह तभी संभव है जब शास्त्र विधियों का तथा गुरु के उपदेशों का पालन किया जाए। इस समय सारा संसार अंधी भौतिकतावादी सभ्यता से विरक्ति लेने के कगार पर है, जिसकी तुलना जंगल में पशुओं के आखेट से की जा सकती है। लोगों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और उन्हें हत्या करने के इस कष्टप्रद जीवन से विराम लेना चाहिए। कहा जाता है कि पशुओं के हत्यारों को न तो जीना चाहिए और न मरना चाहिए। यदि वे पशुओं को मारने तथा स्त्रियों के साथ भोग करने के लिए जीवित रहते हैं तो उनका जीवन अधिक संपन्न नहीं रहता, और ज्यों ही हत्यारा मरता है वह निम्न योनि में जन्म मरण के चक्कर में प्रवेश करता है। यह भी वांछनीय नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हत्यारों को हत्या करनी बंद कर देनी चाहिए और जीवन को सफल बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए।
आत्महत्या करके ऐसा भ्रमित एवं हताश व्यक्ति कभी विश्राम प्राप्त नहीं करता, क्योंकि आत्महत्या से उसे निम्न योनि में जाना होगा या भूत प्रेत बनना होगा, क्योंकि उसे स्थूल देह नहीं प्राप्त होगी। अतः सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि पाप कर्मों से पूर्ण विरक्ति ले ली जाए और कृष्ण भक्ति की जाए। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण बनकर घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं शाग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कंद राधा कंद नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ससान वराहान महिषान गवयान रुरुसल्लकान मेध्यान अन्यान च द्विविधान विनेकनान समं अध्यगात। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में राजा पुरंजन का वन में आखेट के लिए शिकार के लिए जाना और अनेक पशुओं का वध करने के उपरांत श्रम को प्राप्त होना, इसका वर्णन है। तो राजा पुरंजन वन में आखेट के लिए शिकार के लिए गए हैं। तो श्लोक
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो वन है ये संसार है, भोग करने का स्थान है, और व्यक्ति जब वन में जाता है शिकार करने के लिए, आखेट के लिए, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक पशुओं का वध करता है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये पशुओं का आखेट ये किसी कामी पुरुष का स्त्रियों के आखेट के समान है। जैसे कोई कामी पुरुष हो, वो अनेक स्त्रियों के साथ संभोग करना चाहता है, और इस प्रकार वो ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, एक के बाद एक दूसरी स्त्री के साथ कैसे संभोग करें, और इस प्रकार वो जीवन को भोग करना चाहता है। तो ये पुरंजन वन में गया है आखेट करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यद्यपि शास्त्रों में राजाओं के लिए आखेट की अनुमति दी गई है, शिकार करने की अनुमति दी गई है, तो कोई प्रश्न कर सकता है, तो इसमें क्या बुराई है? किंतु शास्त्रों में ऐसी कई बातें बताई गई है जो व्यक्ति की भोग प्रवृत्ति को संयमित करने के लिए कही गई है। जैसे किसी की मांस खाने की प्रवृत्ति है और उसको हम कितना भी उपदेश दें, वो मांस खाना बंद नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो मांस खाने के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए शास्त्रों में ये उपदेश दिया गया कि वो हर समय मांस खा नहीं सकते। जैसे बताया गया है कि महीने में एक बार अमावस्या की रात्रि में देवी के पास खाद्य योग्य कोई पशु को बलि देकर उसके मांस को खाया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि मांस खाने की जो खुली प्रवृत्ति है कि जब मन में आया हम मांस किसी पशु का वध करके खा सकते हैं या बाजार से खरीद करके खा सकते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है इस पर रोक लगाने के लिए शास्त्र में इस प्रकार का विधान है। और यदि कोई शास्त्रों का निर्देश पालन करता है तो उसकी मांस खाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यही शास्त्रों का उद्देश्य है, व्यक्ति की प्रवृत्ति को धीरे धीरे शुद्ध करना और उसको ईश्वर अभिमुखी करना, धर्म के अभिमुखी करना। तो जैसे कोई व्यक्ति मांस खाने के लिए चाहता है, यदि वो शास्त्रों के नियम का पालन करेगा तो वो अमावस्या की रात्रि तक उसको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, जब चाहे वो मांस खा नहीं सके। और अमावस्या की रात्रि में खाने योग्य पशु का बलि फिर देवी के पास देना पड़ेगा, और उसमें जो बलि देते समय जो मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, मांस अर्थात अब मैं तुम्हारा मांस खाने जा रहा हूँ, अब दूसरे जन्म में तुम मेरा मांस खाओगे, ये बोलना पड़ेगा, और उसके बाद वो मांस खा सकता है। तो व्यक्ति जब ऐसा करेगा तो एक दो बार
पांच बार दस बार खाने के बाद उसके मन में निश्चित रूप से पश्चाताप होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कि एक तो जब चाहे खा नहीं सकता और एक बार खाने के लिए इतना सब परिश्रम करना पड़ता है और ये भी बोलना पड़ता है, तो ये सब बोलते बोलते उसका अनुभव होता है कि ये व्यक्ति ये पशु मेरा मांस खाएगा, अर्थात मैं एक दिन पशु बनेगा और ये मनुष्य बनकर मेरा मांस खाएगा, तो वो फिर मांस खाने की इच्छा नहीं करेगा। तो यही शास्त्रों का उद्देश्य है। शास्त्रों में व्यक्ति की प्रवृत्ति को संयमित करने के लिए ऐसे कई प्रकार के उपदेश दिए गए। तो जैसे राजा लोगों को थोड़ी सी छूट है कि वन में जाकर वो शिकार कर सकते हैं, इसमें उद्देश्य है कि राजा लोग वन में जाकर जिन पशुओं की संख्या अधिक है तो वन में उसका भारसाम्य की रक्षा करने के लिए तो उस पशु की हत्या करते हैं और उससे जो बाण चलाने की जो कला है उसको वो सीखते हैं राजा लोग, ये अभ्यास करते हैं। क्योंकि राजा लोगों को धर्म के लिए युद्ध करना पड़ता है और युद्ध करने के लिए युद्ध का अभ्यास करना आवश्यक है। तो बाण चलाने का अभ्यास वो किसी मनुष्य के साथ नहीं कर सकते, इसलिए पशुओं का वध करके वो बाण चलाने का अभ्यास करते हैं। और कभी कभी यदि राजाओं को मांस खाने की इच्छा है तो इस प्रकार वन में शिकार करते समय पशुओं का वध करके वो मांस खा सकते हैं, किंतु हर पशु का वध नहीं कर सकते। जो खाने योग्य पशु है उसी का वध कर सकते हैं। और कभी कभी जैसे शास्त्रों में वर्णन है श्राद्ध के लिए पशुओं की हत्या की जाती है, उस श्राद्ध में पशुओं का मांस दिया जाता है, तो ये श्राद्ध नियमित श्राद्ध के लिए नहीं बताया गया है, किसी विशेष श्राद्ध के लिए बताया गया। तो जो भी हो तो ये सब शास्त्रों का जो निर्देश है ये सब व्यक्ति को संयमित करने के लिए। तो पुरंजन जब वन में जाकर शिकार करता है, आखेट करता है, पशुओं का तरह तरह के पशुओं का वध करता है, तो इस प्रकार वध करते करते वो थक जाता है और यह स्वाभाविक है। क्योंकि संसार का जो भोग है, यदि भी व्यक्ति में यह भोग की प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति भोग करना चाहता है, किंतु भोग करते करते थक जाना ये स्वाभाविक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख यो नयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय नाते सुरमते बुधा। कि इंद्रिय स्पर्श जनित जो भोग हैं ये दुख योनि प्राप्त करने का मूल कारण है। संसार में हम जो इंद्रिय भोग करते हैं उसके फल स्वरूप हम दूसरी योनि में जाते हैं, दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं और बार बार इस भौतिक संसार में शरीर ग्रहण करके हम कष्ट भोग करते हैं। यही संसार है, दुख यो नयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय नाते सुरमते बुधा। और संसार का भोग क्या है कि इसका आदि है और अंत भी है।
यद्यपि हम अनंत काल तक भोग करना चाहते हैं, किंतु इस संसार में अनंत काल तक भोग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम अनंत सुख यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ हर सुख का अंत है। आद्यंत वंत कौंते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, संसार का जो भोग है इसका आदि है और अंत है। अर्थात एक किसी समय हम प्रारंभ करते हैं इस भोग का, और थोड़े समय के पश्चात इसका अंत भी हो जाता है। अर्थात हम थक जाते हैं उस भोग से। इसलिए नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अनंत सुख की कामना करता है, नित्य सुख की कामना करता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षणिक सुख के पीछे धावमान नहीं होता, क्योंकि संसार का सुख ये क्षणिक सुख है। आहार, निद्रा, मैथुन और अपनी सुरक्षा से जो सुख प्राप्त होता है, इसका आदि है और उसका अंत भी है। ना ते सु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका अंत है। तो हम देखते हैं कि संसार का जो सुख है, ये प्रारंभिक रूप से हो सकता है कि वो हमें कुछ आनंद प्रदान कर सकता है, किंतु थोड़े समय के पश्चात वही सुख हमारा विरक्ति या दुख का कारण बन जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया कि कोई व्यक्ति कोई स्वादिष्ट द्रव्य सेवन करना चाहता है, क्योंकि स्वादिष्ट द्रव्य सेवन करने की लालसा सभी की होती है। तो मान लीजिए उसको कोई स्वादिष्ट द्रव्य, मान लीजिए रसगुल्ला दे दिया गया, कोई रसगुल्ला खाना चाहता है, तो बहुत आनंद को प्राप्त करेगा जब वो व्यक्ति रसगुल्ला को खाना चाहता था, अब उसको मिल गया। तो वही व्यक्ति जब पहला रसगुल्ला खाएगा बहुत आनंद को प्राप्त करेगा, और जब दूसरा रसगुल्ला उसको दिया जाएगा वो आनंद को प्राप्त करेगा, लेकिन पहले रसगुल्ला के आनंद से थोड़ा कम उसका आनंद हो जाएगा। अब जब तीसरा रसगुल्ला प्राप्त करेगा तो उसका उससे आनंद प्राप्त करेगा, किंतु उसका आनंद धीरे धीरे घट जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो व्यक्ति कहने लगेगा अब मुझे और रसगुल्ला नहीं चाहिए, क्योंकि वो थक गया है, रसगुल्ला खाते खाते थक गया। उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति बाध्य करेगा, जैसे हम खाने के लिए बाध्य करते हैं किसी, और एक रसगुल्ला देगा, वो मना करेगा किंतु हम बलपूर्वक उसको देंगे, वो खाएगा लेकिन उतना संतुष्टि का अनुभव नहीं करेगा, और फिर हम और एक रसगुल्ला उसको देंगे तो सुख के स्थान पर उसके मुख पर विरक्ति का भाव परिलक्षित होगा, क्योंकि वह अब खाते खाते थक गया। और जो रसगुल्ला थोड़े समय पहले उसको आनंद दे रहा था, वही रसगुल्ला अब उसके लिए विरक्ति का कारण बन गया, और आप उसको और बाध्य करके और दो चार देना चाहेंगे रसगुल्ला, तो वो क्रोधित हो जाएगा आपके ऊपर। ये आनंद प्राप्त करने के स्थान पर वो क्रोधित हो जाएगा। तो ये भौतिक सुख का अंत है। जिसको हम भौतिक सुख आनंद मानते हैं उसकी परिणति यही है कि पहले जो आनंद देता है बाद में व्यक्ति थक जाता है उससे, और उसी सुख को प्राप्त करने पर क्रोधित हो जाता है, विरक्ति का भाव प्रकाश करता है। इसलिए संसार में कोई भी सांसारिक सुख व्यक्ति को सदा के लिए आनंद प्रदान नहीं कर सकता।
जैसे हम आहार निद्रा मैथुन सुख को बहुत बड़ा आनंद सुख मानते हैं, किंतु यही सुख हमारे दुख का कारण भी बनते हैं, जिसके कारण व्यक्ति संसार में बार बार जन्म ग्रहण करता है और बारंबार कष्ट को भोग करता है, और इसी सुख के लिए व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। आहार का सुख प्राप्त करने के लिए, निद्रा का सुख या मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, फलस्वरूप उसको बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करके बार बार कष्ट भोग करना पड़ता है, यही उसकी अंतिम परिणति है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक सुख हमारे दुख योनि का मूल कारण है। तो ये राजा पुरंजन जो इस वन में गया है आखेट के लिए, अर्थात ये सुख भोग करने के लिए गया है, और गृह त्याग करके गया है, घर में उसकी पतिव्रता पत्नी है, तो ये जो पतिव्रता पत्नी है ये उत्तम बुद्धि का सूचक है। ये बुद्धि है, जो व्यक्ति की उत्तम बुद्धि है, जो उत्तम मार्गदर्शन जो बुद्धि करती है, तो जो पतिव्रता स्त्री है वो स्वामी के लिए मार्गदर्शक के समान उत्तम मार्गदर्शन कर सकती है। तो जो व्यक्ति अपनी स्त्री को त्याग करके दूसरी स्त्री का रमण करने के लिए, संभोग करने के लिए जाता है, वो कष्ट भोग करता है, दुख भोग करता है। तो पुरंजन पत्नी को छोड़ करके गया है वन में। अब वन में पशुओं का वध करते करते वो थक गया है, ये स्वाभाविक है, और यही भौतिक सुख की अंतिम परिणति है, थक जाना। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, और वो धार्मिक व्यक्ति यदि कदाचित धर्म के उपदेशों का उल्लंघन करता है, शास्त्रों के उपदेशों का उल्लंघन करता है, और पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, किंतु जब वह थक जाता है, उससे विरक्ति का भाव उस सुख से उत्पन्न हो जाती है, तब वो पश्चाताप करने लगता है। जैसे आगे के श्लोक में वर्णन आता है कि पुरंजन थक गया और क्षुधा और तृष्णा का अनुभव उसे हुआ, भूख और प्यास लगी पुरंजन को। ये भूख प्यास जो हैं ये व्यक्ति का पश्चाताप है। पश्चाताप से व्यक्ति जिस प्रकार भूख प्यास से व्यक्ति व्याकुल होता है, उसी प्रकार जो धार्मिक व्यक्ति जब कभी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो उसके पश्चात पश्चाताप करने लगता है, पश्चाताप से व्याकुल हो जाता है, और जब पश्चाताप करके व्याकुल हो जाता है, पुनः वो घर लौट आता है। तो घर लौट आना आने का अर्थ क्या है कि धार्मिक मार्ग का अनुसरण करना, अधर्म मार्ग का परित्याग करना और धार्मिक मार्ग का अनुसरण करना। तो जब व्यक्ति पश्चाताप करता है अपने पाप कर्मों के लिए, और पाप कर्म करना बंद कर देता है, उसके पश्चात वह धर्म के मार्ग पर आ सकता है, क्योंकि जो जब तक ये नहीं होता है, व्यक्ति का धर्म के मार्ग पर आना संभव नहीं है। जो पापी व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त हैं, अपने पाप कर्मों के लिए उसको पश्चाताप करना आवश्यक है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपिचित सुदुराचारो भजन्ते मंग अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। तो पापी व्यक्ति भी यदि मेरा भजन करता है अनन्य भाव से तो वो साधु बन जाता है, क्योंकि वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्सत् शांति निगच्छति। अति शीघ्र वो धर्मात्मा बन जाता है मेरा भजन करके, तो पाप कर्म के प्रभाव से वो छूट जाता है। जब वो पाप कर्म के लिए पश्चाताप करता है, पाप कर्म को त्याग करता है और मेरा भजन करने लगता है, तब वो धर्मात्मा बन जाता है और वो मेरे पास आ सकता है। तो धर्म के मार्ग पर आने का अर्थ है कि भगवान के पास जाना। तो जब व्यक्ति अपने पाप कर्म के लिए पश्चाताप करता है तब वो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त होता है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहता है, तो इस प्रकार वो धर्म का मार्ग अनुसरण करके भगवान के पास लौट सकता है। यही घर लौटना है। जब यहाँ कहा गया कि पुरंजन को थक गया और बाद में घर लौटने की बात कही गई, तो संसार में संसार के भोग से थक जाना यही आवश्यक है कि संसार का भोग किस प्रकार क्षणिक है और हमें नित्य आनंद प्रदान नहीं कर सकता, इसका अनुभव करना आवश्यक है, तब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आ सकता है, भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में पालन कर सकता है और इस प्रकार वो अपने वास्तविक गृह अपने घर को लौट सकता है। इसलिए प्रभुपाद महाराज उन्होंने एक संस्था का गठन किया है। संसारी लोग जो इस भौतिक संसार में भोग में प्रवृत्त हैं और संसार का भोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और थक चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का गठन किया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ये संसारी लोगों के लिए ये घर के समान है, जहाँ पर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की विधि सिखाई जाती है, कैसे भगवान के पास लौट चलना है, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनका धाम हमारा वास्तविक गृह है। संसार में हम अपना घर बनाते हैं, परिवार बसाते हैं और इसी को अपना मानते हैं, अपना घर और परिवार, किंतु जीवित रहते हुए ये घर हमारा नहीं होता, घर को त्याग करना पड़ता है। जीवित रहते हुए अपना परिवार अपना नहीं रहता है, या तो हमें परिवार को त्यागना पड़ता है या परिवार वाले हमें त्याग देते हैं। तो यही संसार है, जिसको हम अपना मानते हैं एक दिन वही वस्तु पराया बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षणिक वस्तुओं में, क्षणिक संबंधों में अपनी आसक्ति न लगाकर किस प्रकार अपना वास्तविक घर गृह और वास्तविक परम आत्मीय, परम बंधु, परम पिता माता भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, और इसीलिए प्रभुपाद ने इस संस्था का गठन किया। सारे संसार के लोगों को ये अवसर प्रदान करने के लिए कि संसारी लोग जब थक जाएंगे, भौतिक भोग से थक जाएंगे, तब वो भगवान की ओर उन्मुख होंगे, अपने वास्तविक गृह की ओर उन्मुख होंगे और इस प्रकार
उनका दुर्लभ मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के दिन, आज की तिथि में श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की थी न्यूयॉर्क शहर में। जो संस्था समग्र विश्व के लोगों के लिए, जो संसार से थके हुए हैं ऐसे लोगों के लिए एक घर के समान है। जिस प्रकार बताया गया है कि ही विल हाउस हर होल वर्ल्ड कैन स्टे, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे गृह का निर्माण किया है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ रूपी गृह का निर्माण किया है, जिस गृह में सारे संसार के लोग रह सकते हैं। इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ण के लोग इस संस्था का आश्रय ग्रहण करके भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होने का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने आज के ही दिन, आज की तिथि में इस संस्था की स्थापना की थी संसार के कल्याण के लिए। इसलिए प्रभुपाद महाराज जो वृंदावन में निवास कर रहे थे एक सन्यासी के रूप में, और वृंदावन के साधुगण इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं कि वृंदावन को त्याग कर वो जीवन भर अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, अन्य स्थान की यात्रा नहीं करेंगे। वृंदावन के साधुगण ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ वृंदावन में रहकर ही भगवान कृष्ण का भजन करेंगे, चाहे यहाँ पर कितना भी कष्ट क्यों ना हो। किंतु श्री प्रभुपाद महाराज अपनी मुक्ति के लिए प्रयास न करके सारे जगत के कल्याण के लिए, सारे जगत के लोगों को कृष्ण प्राप्ति का मार्ग बताने के लिए श्री प्रभुपाद महाराज 70 साल की आयु में वृंदावन धाम को त्याग कर अमेरिका गए थे। और अमेरिका में 1 वर्ष तक उन्होंने कठोर संघर्ष किया इस कृष्ण चेतना आंदोलन की स्थापना के लिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद महाराज जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो 26 सेकंड एवेन्यू जहाँ पर वो रहते थे, तो वहाँ पर वो एक स्टोर फ्रंट था जहाँ पहले कुछ सामानों की बिक्री होती थी, दुकान थी, दुकान घर, और वो दुकान घर बंद हो गया था तो प्रभुपाद ने उसको किराए पर लिया था। और उसके ऊपरी मंजिल में 2 कमरे थे जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे और रसोई अपने हाथ से करते थे, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद महाराज जब अमेरिका गए वो जानते थे कि अमेरिका के लोग मांस और मदिरा ग्रहण करते हैं, इसलिए वहाँ किस प्रकार एक वैष्णव के रूप में और किस प्रकार भोजन करेंगे उसकी चिंता थी। इसलिए प्रभुपाद अपने साथ अपने रसोई बनाने के सामान साथ में लेकर गए थे और अपने हाथ से रसोई बनाते थे। तो प्रभुपाद महाराज ने वहीं उसी स्टोर फ्रंट में 26 एवेन्यू में वो भगवत गीता पर पहले प्रवचन करते थे। तो वहाँ स्टोर फ्रंट के सामने लिखा रहता था
कि सप्ताह में 3 दिन भगवत गीता के ऊपर प्रवचन है और उसमें समय लिखा रहता था। तो कुछ हिप्पी लोग आते थे प्रभुपाद का प्रवचन श्रवण करने के लिए, तो प्रभुपाद अपने हाथ से रसोई बनाते थे और स्वयं वहाँ स्टोर फ्रंट में नीचे जाकर सप्ताह में 3 दिन प्रवचन करते थे। और प्रवचन करते समय और तरह तरह की आवाज़ें आती थी वहाँ पर, जैसे वो दुकान घर के सामने मेन रोड था तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी, तो गाड़ियों का शब्द हॉर्न ये सब सुनाई पड़ता था। और कभी कभी पास पड़ोस के लोग जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे तो कीर्तन के शब्द से ये लोग बहुत विचलित हो जाते थे कि ये सब शब्द कहाँ से आ रहा, तो ये लोग अभियोग करते थे, वो सुनना नहीं चाहते थे कीर्तन का शब्द। और कभी कभी पड़ोस के बालक बालिकाएं ये भी आकर शोर मचाते थे, वो घुस आते थे उस कमरे में और शोर मचाते थे। कभी कभी हिप्पी लोग शराब पीकर अपने में नहीं होते थे, शराब पीकर इधर उधर आकर बकवास करने लगते थे प्रभुपाद के प्रवचन देते समय। तो इन सारी असुविधाओं का सामना करते हुए प्रभुपाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार कर रहे थे। इसलिए प्रभुपाद प्रवचन करते समय बहुत धीरे धीरे करताल बजाते थे, जैसे पड़ोस के लोग अभियोग नहीं करेंगे करताल ध्वनि को सुनकर। तो जब धीरे धीरे जो हिप्पी लोग आते थे प्रभुपाद का प्रवचन सुनने के लिए, तो प्रभुपाद उनको सिखाते थे कैसे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना। ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं जानते थे, तो प्रभुपाद उनको सिखाते थे कैसे बोलना है। और जब वो बोलने लगते थे तो कुछ लोग एक साथ बोलने से जोर से शब्द होता था कीर्तन का शब्द, तो प्रभुपाद उनको रोकते थे, बोलते थे कि नहीं नहीं धीरे धीरे बोलो, जोर से मत बोलो, क्योंकि ये लोग सब अभियोग करेंगे पड़ोस के लोग। और एक खिड़की बंद कर देते थे जैसे उनको शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति में प्रभुपाद ने ये प्रचार आरंभ किया था 26 सेकंड एवेन्यू में। और उन्हीं हिप्पी लोगों को लेकर उन्होंने टम्पकिन स्क्वायर पार्क में पहला कीर्तन भी आरंभ किया था। तो वहीं पर जब प्रभुपाद जी इस प्रकार प्रचार कार्य कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इच्छा की थी इस प्रचार कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि हम में एक दोष है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम में एक दोष है। तो प्रभुपाद जो भगवान के परम शुद्ध भक्त थे उनमें क्या दोष हो सकता है, किंतु प्रभुपाद कहते थे कि मेरा दोष यही है कि मैं कभी छोटा नहीं सोच सकता, मैं जब कुछ भी सोचता हूँ मैं बड़ा ही सोचता हूँ, कभी छोटा नहीं सोच सकता, जो भी कार्य करना चाहता हूँ बड़े रूप में करना चाहता, विशाल रूप में करना चाहता, यही मेरा दोष है। अर्थात प्रभुपाद महाराज
जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य करना चाहते थे वो प्रचार कार्य एक स्थान पर उसको सीमित रखना नहीं चाहते थे। जैसे सर्वप्रथम प्रभुपाद ने झांसी में प्रचार कार्य आरंभ किया था, तो झांसी में जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का गठन किया था तो वहाँ पर उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ करके सारे भारत में इसको प्रसारित करने के लिए प्रभुपाद ने चाहा था, किंतु प्रभुपाद की वो प्रचेष्टा झांसी में सफल नहीं हुई। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये भारतीय लोग सब अमेरिका के पीछे दौड़ रहे हैं, अमेरिका की सभ्यता अमेरिका की संस्कृति को अनुसरण कर रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं और अपने शास्त्रों को भूल रहे हैं। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि जब मैं इस कृष्ण भक्ति का प्रचार अमेरिका में करूं और अमेरिका के लोगों को कृष्ण भक्त बना दूं, जब भारतीय लोग देखेंगे अमेरिकी लोगों को जो अपना धर्म त्याग करके भारतीय वैष्णव वेशभूषा में कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, तब इन भारतीय लोगों की आंखें खुलेगी। ये सब अंधे बने हुए हैं, अमेरिका का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो उनकी आंखों को खोलने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मैं भारतीय लोगों की आंखों को खोल सकता, यही सोचकर प्रभुपाद जी ने अमेरिका की यात्रा की थी। और उसके साथ साथ उनके गुरु महाराज का आदेश भी था कि पाश्चात्य देश में इन भारतीय संस्कृति धर्म का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करना है, जो गीता भागवत जो संस्कृत में है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके पाश्चात्य देशों में प्रचार करना। तो प्रभुपाद महाराज यही चाहते थे अमेरिका में किस प्रकार प्रचार करके समग्र संसार में कृष्ण भक्ति का को प्रसारित करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी भी यही थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मरना, समग्र पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार हो। तो प्रभुपाद महाराज न्यूयॉर्क शहर में इस संस्था की स्थापना करके इस संस्था के माध्यम से समग्र विश्व में समग्र देशों के कोण अनुकोण में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाह रहे थे, यही उनका उद्देश्य था। वो केवल न्यूयॉर्क शहर में एक स्टोर फ्रंट में कोई केंद्र खोलकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना नहीं चाह रहे थे। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की परिकल्पना की थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उनके कुछ अनुयायी लोग बोलने लगे, अमेरिकी अनुयायी, कि स्वामी जी आप ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो स्थापना करना चाह रहे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न करके ईश्वर भावनामृत संघ करना उचित रहेगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। क्योंकि आप जब गॉड कॉन्शियसनेस कहेंगे तो इसमें सारे धर्म और जाति के लोग आ जाएंगे, सभी इसमें सम्मिलित होंगे और आपकी इच्छा या आपका स्वप्न वो साकार हो।
किंतु प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, हम गॉड कॉन्शसनेस की स्थापना करना नहीं चाह रहे। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद क्या स्थापना करना चाह रहे हैं। भगवत चेतना का स्थापना करना नहीं चाह रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं ऐसी संस्था की स्थापना करना चाह रहा हूँ जिसमें लोग जानेंगे कि भगवान कौन है। जब हम कहेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस, अंतर्राष्ट्रीय भगवत चेतना संघ, तो कोई किसी को भी भगवान बता सकता है। जैसे संसार में बहुत सारे धर्म हैं तो कोई किसी को अपना भगवान मानता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गॉड कॉन्शसनेस कहने से लोग सोच कहेंगे कि कोई भी भगवान है। हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम सारे संसार को यही बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस की स्थापना करना चाह रहा हूँ। तो भगवान कौन है लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोगों को ये जानना आवश्यक है कि कृष्ण ही भगवान। इसलिए प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस की स्थापना की। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म संक्षेप रूप है, प्रभुपाद ने ही इसका संक्षेप रूप प्रदान किया था। किसी ने इसका संक्षेप रूप नहीं बनाया था। प्रभुपाद ने कहा कि हम इस संस्था को इस्कन के नाम से पुकारेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस को हम इस्कन के नाम से पुकारेंगे। इसलिए इस्कन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ न्यूयॉर्क शहर में आज की तिथि में, जबकि तारीख अलग था, 11 जुलाई को प्रभुपाद के जो वकील थे मिस्टर गोल्ड स्मिथ, वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस की स्थापना के लिए जो कागज हैं उसको प्रस्तुत करके ले आए थे प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद उस दिन प्रवचन कर रहे थे, तो उनके वकील आकर प्रवचन में बैठे, और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ तो वो उठकर खड़े हुए। ये 11 जुलाई की बात है, 1966 साल 11 जुलाई में मिस्टर गोल्डस्मिथ उस सभा में जहाँ प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे वो खड़े होकर उन्होंने घोषणा की कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने जा रहे हैं जिसका कागज प्रस्तुत है और उसके जो ट्रस्टी हैं आज वो लोग उसमें स्वाक्षर करेंगे और हम इसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत करेंगे। दूसरे दिन तो जब गोल्डस्मिथ ने ऐसा कहा तो प्रभुपाद ने कहा कि जो भी ट्रस्टी होंगे ये लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उनका पता और उनका स्वाक्षर इस कागज पर ले सकते हैं या दलील पर ले सकते हैं। तो गोल्डस्मिथ ने सभी का पता और स्वाक्षर लिया। तो उसमें व्यवस्था थी ये ट्रस्टी 1 साल के लिए होंगे और दूसरे साल नए ट्रस्टी होंगे, तीसरे साल नए ट्रस्टी होंगे। तो इस प्रकार 3 साल के लिए कौन कौन ट्रस्टी होंगे उसको भी निश्चित कर दिया गया था। और ये लोग जो पहले ट्रस्टी थे ये कोई भी एक दीक्षित भक्त नहीं था, इसमें प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा नहीं दी थी, तब तक दीक्षा संस्कार नहीं हुआ था। और फिर भी
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शसनेस के ये ट्रस्टी बने और जुलाई 13 तारीख को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शसनेस का रजिस्ट्रेशन हुआ था जुलाई 13 तारीख, किंतु तिथि आज की तिथि थी क्योंकि तिथि के अनुसार ये तारीख बदल जाता है। यद्यपि तारीख 13 जुलाई किंतु तिथि आज की तिथि, इसलिए आज की तिथि को हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना दिवस मानते हैं। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के 50 साल की पूर्ति, जिसको हम गोल्डन जुबली हीरक स्वर्ण जयंती मानते हैं, तो इस वर्ष हम इस क्रम का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। अर्थात 50 साल से ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन समग्र विश्व के कल्याण के लिए, समग्र विश्व के लोग जो संसार के भोग से थके हुए हैं उनको नित्य आनंद का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, अपने घर लौटा लेने के लिए, भगवत धाम लौटा लेने के लिए और भगवान कृष्ण के चरण कमल के पास लौटा लेने के लिए प्रभुपाद ने इस संस्था की स्थापना की थी। और यह संस्था आज समग्र विश्व में उस कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए लाखों की संख्या में लोगों को भगवान कृष्ण के चरण कमल में ये संस्था ला रही है और अपने घर बैक टू होम बैक टू गॉड है, भगवान के धाम को लौटा लेने के लिए मार्ग ये संस्था प्रदर्शन करती है। इसलिए आज समग्र विश्व में इस संस्था की 650 केंद्र है। प्रभुपाद के समय में 108 केंद्र थे, आज प्रभुपाद के पश्चात इस्कन के 650 केंद्र समग्र विश्व में। तो इस संस्था का प्रचार कार्य बढ़ रहा है, केंद्र बढ़ रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ रही है और अधिक से अधिक बद्ध जीव इस संस्था से मार्गदर्शन को प्राप्त हो रहे हैं और भगवत धाम जाने के मार्ग पर हैं। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है, जो लोग इस संस्था में आए हैं और कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा परम कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों से मिलकर उनको इस भौतिक संसार के दुखों से कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करें, इस संस्था के साथ उनको योगदान के लिए प्रेरित करें और कृष्ण के धाम भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होने के लिए मार्ग प्रदर्शन करें। यही हमारा पुनीत कर्तव्य है और यही संसार के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। हरे कृष्ण। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय श्री श्री गौरनिताय की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, जय श्री प्रभुपाद महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि।